एक बड़े नफीस इंसान थे जिनका नाम था हकीम इब्ने हजाम। और जहाँ तक मेरी मालूम याददाश्त काम कर रही है, जनाब खदीजतुल कुबरा के शायद फूफीजाद भाई था, उनके सर पर थोप दिया कि ये भी पैदा हो गए। अब आप सर टकराते रहिए, कुछ कहते रहिए, किताबों में कहीं ना कहीं लिखकर आपको मिल जाएगा कि जी ये भी पैदा हो गया। और वो खुद इनकार करता रह जाए, बेशक उसकी माँ इनकार करता रहे करती रहे। असर बहुत बुरी बात। अच्छा बहादुरी शजाअत फलाम भी तो था, ये असदुल्लाह है सैफुल्लाह भी, और फलाँ कोई और भी था, कोई और भी है। तो मतलब ये कि ये तो है मुसलमानों में एक तयशुदा बात है कि शुजा हज़रत अली जैसा कोई नहीं था, लेकिन पैरा वैसे नहीं सही, बहुत ही बहादुर थे और बेशक थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में बहादुर नहीं थे, बड़े बड़े बहादुर थे। कुछ तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले सुना भी था। और भी करते जाइए, और भी करते जाइए। इतनी मेहनत अगर मैं कहूँ रसूल खुदा को जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार कराने में करनी पड़ी, उतनी तो खुदा की कसम, खुदा की बैदानियत में नहीं करनी पड़ी, उतनी अपनी रिसालत में नहीं करनी पड़ी। अब देखते जाइए और सोचते जाइए कि आखिर अहराज क्या है। सबसे पहली खुली दावत, खुफिया दावत की बात है, सबसे पहली खुली दावत, इस्लाम की दावत रसूलुल्लाह ने कब दी? दावत ज़ुलशीरा। दावत ज़ुलशीरा में क्या हुआ? एक दफ़ा बुलाया और पूरी तफसीलात का अपने खून पढ़ाने के लिए मैं इशारा कर देता हूँ, लेकिन तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि मौलाए कायनात से जो अभी 10-12 साल के थे उनसे कहा कि ज़रा दावत का इंतज़ाम करो, कुछ लोगों को बुलाओ, 40 अफराद क्रैश के उनको बुलाया गया, अड्डे करके पहुँचे, क्या करना है दावत इंतज़ाम, एक नान रख दो और एक बकरे की गुलाम रख दो, ये तो क्रैश एक आदमी खा जाए 40। लेकिन बहरहाल आपने सुना हुआ है कि किस तरह लोग आए और किस तरह पूरी बल्कि वही रात बच गई, सब पेट खा के उठ करके खड़े हो गए और जादू है और ये वो है और फिर कहीं निकल गए। दूसरी दफ़ा बुलाया फिर यही हुआ, तीसरी दफ़ा जब बुलाया तो एक मौलाए कायनात का भी बाप था, मेरा भतीजा कुछ कहना चाहता है सुन के जाना। और सुना रसूलुल्लाह ने कहा कि ये खुदा है, सन्नाटे में बैठे हैं, तो हमने उसका भेजा हुआ रसूल हूँ, चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा कि जो मेरी हिमायत और नुसरत का ऐलान आज कर दे, कयामत तक वो मेरा नायक, मेरा खलीफा, मेरा वली, मेरा वसी, मेरा भाई। सन्नाटा छाया हुआ, कोई हिलने वाला नहीं, एक बच्चे की आवाज आती है कि अना या रसूल, कहा बैठ जाओ। फिर ये ऐलान, ये जी तीसरी दफा ऐलान, तीसरी दफा जब ऐलान हो गया तो कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा खलीफा है, ये मेरा मसीह है, और ये वो है जिसकी इताअत तुम सब को करते अल्लाह की वहदानियत। 360 फुटों का क्या करें, कोई नहीं बोलो, मैं रसूल और बाकी हम लोग कोई नहीं बोलो, ये मेरा वसी। जाते हुए ताना देते हुए जा रहे हैं अली के वालिद बुजुर्गवार को, अब अपने बेटे की तार। अरे खुदा की मैदानियत, कोई मसला नहीं, रसूल कोई मसला नहीं, मसला है तो क्या है, अली की विलायत। पहला मजमाए आम में पहला ऐलान जो किया रसूल अल्लाह ने अली की विलायत का, और आखिरी क्या किया, मन कुन तो मौला आदा ही मौला, और कहा कि अली आपको मुबारक हो, आप तमाम मोमिनों के मौला हो। बैत भी 3 दिन बैठा के बैत कराई,
अव्वल अली की वलायत, आखिर अली की वलायत, दरमियान जो मौका आया, हिजरत का मौका आया, मुआफात का मौका आया, जंग बदर का मौका आया, जंग ओहद का मौका आया, कुल्ले ईमान कहना पड़ा, जो जो कुछ कहना पड़ा कहते चले गए। लेकिन जो हसद और जो बॉक्स और जो नफरत, अगर मैं दोबारा कहूँ कि अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ, जो मौलाए कायनात के हिस्से में आए, इन तमाम बातों के बावजूद बनू उमैया के 90 साल दौर में हर जुमे के खुतबे में अली पे लानत पड़ती है। ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है जो हमारी मौलाए कायनात और मुश्किल कुशा है, और ये वो मजलूम शख्सियत है तारीख की, जो जिसके साथ ये सब कुछ हो। एक बीच में छोटा सा जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में एक वक्त आया था 2-2.5 साल का, जब उन्होंने ये तबर्रा दुआ दिया था, वरना अली पर लानत पड़ गई। इन तमाम बातों के बावजूद और इन तमाम फजाइल के बावजूद जिनके मुकाबले में कुछ ना कुछ आता रहा, और भी शायद कुछ चीज़ें हों, लेकिन मेरे जहन और नज़र में एक फजीलत मौलाए कायनात की ऐसी है जिसका जवाब ना उन लोग उस वक्त दे सके, ना बाद में दे सके, ना आज दे सकता है, और वो है मौलाए कलाम, कायनात का कलाम। आप हर चीज़ का जवाब निकाल के दिखा दी, नहजुल बलागा, अगर ये एहसान दो अलियों का नहीं होता, एक नहजुल बलागा के खालिक का और एक इनके पोते का अली इब्न हुसैन का, जिनका सल्फा सजादिया है, तो मुसलमानों के हाथों में क्या था। लिहाजा मेरा जो आज मैं आपसे मज़ीद जो कुछ दो चार बातें करना चाहता हूँ, वो मौलाए कायनात जी के कुछ अखबार हैं। देखिए, हमारे एक अकीदे के मुताबिक मासूमीन के जो फरमान हैं, उनमें से हर फरमान के अप टू 70 मतालिब निकाले जा सकते हैं, और दुरुस्त मतालिब, ये नहीं कि गलती से एक मतलब निकल गया था, 69 गलत है, एक सही है, 70 दुरुस्त मतालिब एक कलाम से निकाले जा सकते हैं। ये वो इसरार भरे हुए जुमले हैं मौलाए कायनात के, जो उस वक्त से समझने की कोशिश करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उससे फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, और आखिर तक इस कायनात के काम तक ये मामला चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक दावत देना चाहता हूँ कि इन अकवाल के पीछे जाके देखने की कोशिश कीजिए। ज़ाहिरी एतबार से जो कुछ अल्फाज हमको सुनने में मिल रहे हैं, पता कि कसम उन्हीं की फजीलत इतनी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके गौर फिक्र करके उस जहन को पढ़ने की कोशिश कर, हम कहाँ वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि अपने मौला के मतालिब को एक दो या मज़ीद कुछ और तरीकों से समझने की कोशिश करें। हर दफ़ा आपको नए नए मतालिब समझ में आते जाएंगे। मसलन ये देखिए, मैंने क्या सरकार के मैं मुकर्रर या करने वाला इंसान नहीं और बदल तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मौलाए कायनात जी का कौन है ये ना देखो कौन कह रहा है, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मौलाए के अल्फाज सुन रहा हूँ, ये देखिए मैं कह रहा क्या। इसके इस जुमले को भी हमारे पॉलिटिशियन से लेके जहाँ तक जो तो बात आती है कि ये देखो कि मुझे मैं कर, लेकिन बहरहाल आप अच्छे मान में देखते जाइए और सोचते जाइए और समझते जाइए, आपकी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किल का सामना करेंगे इस एक जुमले से, ये ना देखो कि कौन क्या। माइक के अलावा दूसरी बातें भी हैं, लेकिन ये कुछ भी बात नहीं है कि आप किसी दुश्मन का भी नाम लें तो वो
मुमकिन है कि उससे भी उतार सीख सकते, हमारा रबे ऊपर है कि हम उससे मौला के किस जुमले की मदद से क्या कर सकते हैं। मतलब ये क्यों कहते रसूलुल्लाह या हमारे लोग मौलाना साहब ये तस्वीर करते हैं कि अगर मौला कायनात का ही गलबत हो कि इल्म मोमिन की दुखिदा मिराज हासिल करो चाहे मुनाफिक से हासिल करो, कोशिश ये कर रहा हूँ कि सोचिए कि इसके पीछे भी कुछ मतलब है, इसके डेप्थ में जाने की जरूरत है या हम इसको पूरी तरह समझ गए हैं कि मौला कहना क्या होता है। मौला ने फरमाया कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं जन्नत का हकदार हूँ, इसलिए कि ये तो ताजिर और सौदागर की बात है, ट्रेडिंग है एक जितनी और एक जितनी, और मैं अल्लाह की इबादत इसलिए भी नहीं करता कि दोज़ख में जाने से बच जाऊं, ये तो गुलामों की सोच है। जो काम नहीं करोगे नमाज नहीं पढ़ोगे मतलब कितने पढ़ेंगे, जागे नहीं करोगे तो ये सजा मिलेगी, फला काम नहीं करोगे तो फला सजा मिलेगी, ये तो गुलामाना सोच है। इसलिए और इससे आप मतलब निकालना शुरू कर दीजिए, मौलाए कायनात की जो इरफान इलाही था या जो कुछ भी था उस पर आप डूबते चले जाइए, आपको किनारा नहीं मिलेगा, आप डूबते चले जाइए। लेकिन जिस मतलब की तरफ मैं आज इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि इसी जुमले से इसी फरमान से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो काम सही है उसको उसी लिए करो, ये यूँ कहिए कि जो करने वाला काम है वो करना है नियत के साथ भी और अमल के साथ भी, इस काम को इसलिए करो कि करने के बाद इसलिए नहीं कि ये किया तो मैं क्या करें, फायदा क्या ये काम करने का, ये नुकसान कितना ये काम है, काम करने वाला है काम से कभी यही फलसफा। एक और कॉल सुनिए, बोला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को रोजे के बारे में फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला को पेट से ज्यादा जबान का रोजा पसंद है। वाह वाह वाह, पेट से ज्यादा जबान का रोजा पसंद और जबान के रोजे से ज्यादा दिल का रोजा पसंद। सुबह से लेके शाम तक आप और हम मुशक्कत करते रहें, खाली पेट रहें, प्यासे भूखे रहें, लेकिन न दिल में रोजा हो न जबान पर काबू हो तो रोजा, ये चीज़ें आपको मौला कायनाती के पास मिली। मैं समझता हूँ कि इस्लाम डेफिनेशन आप बहुत सारी कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों में आप समा सकते हैं कि ये ही इस्लाम है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यही रोजा है, यही इस्लाम है। एक और कॉल सुनिए, इमाम अल-मुत्तकीन फरमाते हैं, वो आबिद और ज़ाहिर फरमाता है, कहते हैं कि शक के आलम में नमाज पढ़ने से यकीन के आलम में सो जाना बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको थोड़ा बहुत ईद और मिले तो आप नमाज छोड़ दें, ये हदीस नहीं है, ना ये मौला का मतलब है, ना मैं आपसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि मारिफत हासिल करें अपने खालिक की, अपने दीन की, अपनी अपने अतराफ की इरफान हासिल करें, जितनी तक कर सकते हैं कि हमसे अल्लाह ताला ने काम कहा तो है करने का,
यही बहुत बड़ी और सबसे आखिरी बात है कि अल्लाह ताला ने कहा इसलिए मैं काम करता हूँ, इससे ज़्यादा आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस लॉजिक को हासिल करने की कोशिश करें तो खुदा और स्टेटस बढ़ता जाएगा, इबादत का भी और खुदा आपका भी। देखिए इंसान का है, मोमिन नहीं का, मुसलमान भी नहीं है। हर इंसान की इज्जत करो इसलिए कि या तो वो तुम्हारा मोमिन या मुस्लिम भाई है, और अगर मुस्लिम या मोमिन भाई नहीं है तो वो इंसानियत के लिहाज से तुम्हारे बराबर है। अंग्रेजी में इसका सर्जमा तकरीबन मैं बेहतर कह सकता हूँ तो उर्दू के मुकाबले में कि ब्रदर इन इस्लाम अदरवाइज इक्वल इन ह्यूमैनिटी, या तो इंसानी इस्लामी लिहाज से आपका भाई है या इंसानी लिहाज से आपके बराबर है, आपसे नीचे नहीं है। अब आप उसको सोचना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। देखिए हम बार बार कहते हैं और सोचते हैं और यकीन रखते हैं कि इस्लाम की और सही हक के जो मैसेज है उसकी तबलीग का सबसे अच्छा जरिया अमल। कितनी बार हमने सुना है कि इस तरह बन जाओ कि लोग कहें कि देखो शिया है अली जा रहा है, अली का शिया जा रहा है। अगर हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों से, मुसलमानों से नहीं, मोमिनों से नहीं, इंसानों को अगर हमसे अपने आप से नीचा समझें किसी भी मतलब में, किसी भी मकसद से, तो क्या हम शिया अली हैं? चाहे वो मुसलमान हो, मोमिन हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, मौला का फरमान है कि वो तुम्हारे बराबर है, कम अज कम भी बराबर है। और वो फरमान मौला का जो मैंने सरनामा कलाम बनाया अपना, जिसकी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, ना मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, मैं बस तर्जुमा भी क्या करूँ, ये खुद ब खुद तर्जुमा है। मैं एक दफ़ा फिर अरबी पढ़ देता हूँ और शायद कुछ बच्चे इस तरह के बैठे हों जिनको ये बात हल्की सी अरबी में ना समझ में आए, उनके लिए इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, तर्जुमा कर देता हूँ। मौला ने फरमाया, उनसे पूछा था कि किसी ने पूछा था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम को ज़रा समझा दीजिए। मौला ने कहा कि मैं आज तुमको इस्लाम वैसे समझाता हूँ जैसा तुमने पहले नहीं समझा हूँ। और फिर फरमाया कि अल इस्लाम व तस्लीम, इस्लाम तस्लीम का नाम है, रजा का नाम है, एक्सेप्ट करने का नाम है, मान जाने का नाम है। लेकिन तस्लीम क्या है? वत तस्लीम व यकीन, तस्लीम यकीन का नाम। अगर दिल में यकीन नहीं है, शक के आलम में सो जाना बेहतर है। तो सॉरी, शक के आलम में नमाज पढ़ने से यकीन के आलम में सो जाना बेहतर है। देखिए थोड़ी सी बात हट जाती है मौजू से, लेकिन हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था, रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौत, मेरे रब मुझे दिखा दे तुम मौत के बाद जिंदा कैसे करेगा। कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया अबुल अंबिया जनाब इब्राहिम, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें ईमान नहीं है मौत के बाद जिंदा करके जाओ? नहीं, ईमान तो है। वलाकिन ला यतमईना कल्बी, इत्मीनान कल्बी वो चाहो। कौन कह रहा है? इब्राहिम। देखिए हम सुनते आते हैं, हमारा यकीन है और बिल्कुल बेशक बिलाशुबा ऐसा है कि ईमान के 10 दर्जे हैं और 10वां दर्जा वो है जिसपे सलमान फारसी फाइल करता है। ऐसा ही है ना? किसी ने पूछा कि मौला कर अगर 10 के 10 दर्जे पे सलमान है तो आप, हाँ मैंने कहता हूँ
जो भी लोग हैं किसी और से मुकाबला नहीं करते, जहाँ इनके ईमान के दर्जे ख़त्म होते हैं हमारे वहाँ से शुरू होते हैं। जब सलमान के 10 दर्जे हैं इब्राहिम के नहीं होंगे, और इब्राहिम कह रहे हैं कि मुझे इत्मीनान कल्ब चाहिए, यकीन और इत्मीनान कल्ब आसपास की चीज़ है। और मौला फरमाते हैं बस तस्लीम हो यकीन, नाम यकीन का, लेकिन यकीन क्या चीज़ है? फरमाते हैं वल यकीन व तस्दीक, किसी चीज़ को इस तरह देख लेना कि आप तस्दीक कर लेंगे। तस्दीक करना क्या होता है? लाइट जल गई, मैं तस्दीक करता हूँ। आप मुझसे कोई मुझसे चैलेंज कर ले, देखिए मैं बता रहा हूँ लाइट है, यकीन है मुझे, यही तस्दीक। इस्लाम की तस्दीक ऐसे करो, कायनात ही ने फरमाया था। देखिए ईमान के 10 दर्जे और इत्मीनान कल्ब का फैसला मौला ने क्या फरमाया, इब्राहिम ने फरमाया, आप सुन लिए, मौला ने फरमाया कि जितने भी पर्दे हैं एक एक करके सब हटा दिए जाए, मेरे ईमान में इतना भी इजाफा नहीं होगा। जो कुछ है मुझे पहले से अंदाज है, पहले से पता है, यकीन है, इत्मीनान कल्ब। और खुद मौला फरमाते हैं कि वल यकीन व तस्दीक, तस्दीक क्या है? वल इकरार, मन कुन तो मौला व हाजा अलैहि, इकरार कर लिया, तस्दीक कर दी, यही इस्लाम। और इकरार क्या है? वल इकरार वल अदा, अदायगी का नाम। और अदायगी क्या है? वल अदा वल अमल, अमल अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। इसकी आप देखिए वक्त की किल्लत के और इल्म की किल्लत के अलावा भी कुछ अफबाब हैं कि इसकी डिटेल में जाने का मौका नहीं है, मज़ीद थोड़ी बहुत मैंने आपसे अपने कुछ ख्याल बयान कर दिए। लेकिन इन तमाम टर्मिनोलॉजीज जो मौलाना कायनात ने यूज़ की, तस्लीम, यकीन, तस्दीक, इकरार, अदा, अमल, एक एक पॉइंट को लेते जाइए और मेरा ख्याल है कि कबला जैसे लोग तो एक नहीं कई कई शायद अशरे पढ़ दें एक टॉपिक पर। और हम सुने भी हैं रशीद तराबी मरूम जैसे लोगों ने यकीन पे मंजिल से पढ़ी। एक और सुनिए मौला कायनात का एक और पॉइंट, मौला फरमाते हैं कोई ऐसा वक्त जब आप कोई दानिश मंदाना और कारामत बात कर सकते हो, ऐसी चीज़ जो यूज़फुल है, ऐसी बात जिसका कोई फ़ायदा है और दानिश वाली, एक ऐसा कोई मौका आया जब ये आप कर सकते हो, उस वक्त खामोश रह जाना उतना ही बुरा है जितना फजूल अहमकाना और बेकार बातों को और ख्यालात को फैलाना, उतना एक ही बात। अपने दानिश मंदाना ख्याल को जहन में रख के बैठ गए अगर आप, और मुँह से नहीं निकाला जब निकालने का वक्त था, तो आप उतने ही बुरे हैं जितना वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देखिए हम बहुत सुनते रहते हैं मजालिस में भी, उलमा से भी, किताबों में भी पढ़ते रहते हैं कि खामोश रहने के कितने फवायद हैं, कम बोला करो, कम बोलने के कितने ही फजाइल हैं। लेकिन जिस चीज़ पर कम गौर करते हैं वो ये है कि बोलने के बाद खामोश रह जाना उतना ही बुरा है, और खामोश रहने के बाद बोल पड़ना वो भी उतना ही बुरा। बैलेंस करने की ज़रूरत है कि कब क्या बोलना है, बोलना भी कि नहीं बोलना है। मौला कायनात जी का और मसल कहते हैं कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन इस बात से बेहतर कौन सा नहीं मौला कायनात का, फरमाते हैं फतकल्लमु फतअल्लमु, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। कलाम नहीं करोगे तो तुम्हारी कीमत का अंदाजा किसको और कैसे होंगे? तो बोलने के वक्त खामोश रह जाना उतना ही बुरा है जितना जहां खामोश रहना था वहां बोल पड़ो। एक और सुनिए, कॉल नंबर 9, मैं 10 लेके आए थे तो 9 में पहुंच गए, ज्यादा इतना लगे
मैंने जैसे पहले पूछा था मेरे पास कितना टाइम है, तो उन्होंने कहा काफ़ी टाइम, लेकिन बहरहाल एक होता है यहाँ पे तो ब्लॉक भी नहीं लगा हुआ, लेकिन उतनी बहरहाल मेरे पास। और उससे ज़्यादा मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है कभी कभी मुझसे कह दिया जाता है कि आप कभी मजलिस पढ़ते हैं या मिलाद पढ़ते हैं, तो जहाँ पे ब्लॉक नहीं होता वहाँ मैं कह भी देता हूँ कि आपको ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, आप सबके चेहरे ब्लॉक। मुझे वो समझ में आ जाएगा कि मतलब मेरा होता है और हाल में सही पा गया सुन लीजिए, बस ज़्यादा टाइम एक या दो। और मौलाना फरमाया कि ऐ आदम के बेटे, ऐ आदम के बेटे, अगर तुमने अपनी असल ज़रूरियात से ज़्यादा जमा किया होगा, याद रखो कि तुम उस ज़ायद अज़ ज़रूरत माल के महज ट्रस्टी और मेहरबान हो, उसी तौर पे अमल कर रहे हो ताकि इस माल का अपना वारिस उसको अपने वक्त पर अपने इस्तेमाल में ला सके। मेरा माल, मेरा माल, अल हाकुम तकासर हत्ता ज़र तबल मकाबर, तुम लोगों को कसरत ने मार डाला, हलाक कर दिया। आप माल की कसरत कह लें इसको, औलाद की कसरत कह लें, ख्वाहिशात की कसरत कह लें, किसी भी चीज़ की कसरत ने हलाक कर, हत्ता ज़र तबल मकाबर, यहाँ तक के तुमने कब्रों की जगह अपनी कब्रों की जगह यानी मर गया। वो माल मलाई काना जी थे ना कब्रिस्तान से मालिबन वादी सलाम से गुजर रहे थे, फरमाया के अगर अगेन मौलान साहब बैठे हुए, अगर मैं कहीं गलती करता हूँ ये बात याद रखने में, तो कसी फरमा दें कि ऐ कब्र वालों, तुम्हारे बाद तुम्हारा छोड़ा हुआ माल